मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब केंद्र और राज्य सरकार का फोकस वोटर्स पर है। ऐसे में आज ग्वालियर में मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने 1000 महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक सहायता का वितरण किया। तो वहीं बेरचा और बिल्हारा में 66.44 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को उत्सव वर्धन करने से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में इसरो के वैज्ञानिक नए आयाम स्थापित करेंगे। इसके साथ ही शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेने वाले तीनों मंत्रियों को नरेंद्र सिंह तोमर ने बधाई दी। आज केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का आशीर्वाद है, इसलिए ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में भी मूलभूत सुविधाओं के अलावा और योजना पे भी काम हुआ है। आज प्रमुख रूप से 6 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है और 400 से अधिक हमारी बहनों को 1,12,00,000 रुपए सीड कैपिटल में दिए गए, जिससे बहनें आत्मनिर्भर बने। इस बार विदेश में थे लेकिन विदेश में रहकर भी उनकी आत्मा देशवासियों के साथ थी और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ थी। और आज जैसे ही देश में आए वैसे ही उन्होंने सबसे पहला काम इसरो के वैज्ञानिकों को मिलने का किया। इससे निश्चित रूप से वैज्ञानिक बहुत प्रोत्साहित होंगे और आने वाले कल वो नित नए आविष्कार करेंगे जिससे भारत का गौरव बढ़ेगा। आज यहाँ पर बेरजा में लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क निर्माण और जन कल्याण की दृष्टि से लोगों को आजीविका मिले।